नमस्ते, मैं अर्चना आरते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक इंस्टेंट मसाला गार्लिक पराठा बताने वाली हूँ। चलो फिर शुरुआत करते हैं। इंस्टेंट मसाला गार्लिक पराठा बनाने के लिए लगने वाली सामग्री है, गेहूं का आटा लिया है 1 कप, 1 टेबलस्पून ऑयल, और थोड़ा बाद में भी ऑयल लगने वाला है हमें, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और पानी। चलो फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पराठा बनाने के लिए हमें ना रोटियाँ बेलनी है ना ही आटा गूंदना है। हम क्या करेंगे, इसे लिक्विड बैटर से बनाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम 1 कप गेहूं का आटा लेते हैं और इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। इसे बेसन के चीले जितना ही पतला रखना है। बैटर बन चुका है, अब हम पराठे बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम पराठा बना लेते हैं। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाना है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। इसे पलटी कर हमारा पराठा अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार मसाला गार्लिक पराठा रेडी हो गए हैं, हम इसे भी निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म इंस्टेंट मसाला गार्लिक पराठा तैयार है। आप इसे बनाइए, कमेंट्स में कहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।